भारत के एक दक्षिण में मंदिर है, नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भारत ही नहीं, ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं। जितना यह मंदिर अमीर है, उतना ही रहस्यमय भी। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर को अगर मैं दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कहूं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मूर्ति का स्थान। आप जब भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे, तो आप मंदिर के अंदर जाकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। जब आप गर्भगृह में जाएंगे, तब आपको ये लगेगा कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, जो कि है भी। लेकिन जब आप बाहर आएंगे, तब आप जो देखेंगे वो देखकर आपकी आंखें अचंभित रह जाएंगी। आप पाएंगे कि अचानक से मूर्ति का स्थान बदल गया है, या ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित है। दोस्तों, इसे एक भ्रम कहा जा सकता है, लेकिन एक ही भ्रम सभी पर्यटकों के साथ तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार दायां हिस्सा शुभ का पर्याय होता है, दाएं को अच्छा माना जाता है। गांव का रहस्य। बालाजी का मंदिर तिरुमाला की पहाड़ियों पर है। वहां से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, दूध, दही, घी सब इसी गांव से लिए जाते हैं। इस गांव को पवित्र रखने के लिए इस गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश ही वर्जित है। इस गांव के लोग बहुत ज्यादा नियम, संयम और अनुशासन में रहते हैं। यहाँ तक कि इस गांव में औरतें सिले हुए कपड़े तक नहीं पहनती। कपड़ों का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति को प्रतिदिन सजाया जाता है। यह तो सामान्य है, लेकिन जिस तरह से सजाया जाता है वह सामान्य नहीं है। दरअसल भगवान की मूर्ति के नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप विराजमान है, इसी वजह से भगवान की मूर्ति को इसी तरह से सजाया जाता है। मूर्ति के बाल। यह मंदिर जितना हैरान करने वाला है, उतना ही हैरान करती है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो असली हैं। ना तो ये बाल कभी उलझते हैं और ना ही ये बाल कभी भी रूखे पड़ते हैं, जबकि इन बालों का कोई खास ख्याल भी नहीं रखा जाता। श्रद्धालु यह कहते हैं कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं, इस कारण यह बाल ना कभी रूखे पड़ते हैं और ना ही खराब होते हैं। समुद्र की आवाज। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति मंदिर में सबसे रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति पर कान लगाओ तब पीछे से समुद्र की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज समुद्र की लहरों की होती है। यदि आंख बंद कर ली जाए तो पूरी तरह से यह महसूस होता है कि आप समुद्र के किनारे पर ही खड़े हैं। दोस्तों, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं, और क्या आपने भी इन बातों को नोटिस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। मूर्ति को पसीना। पिछले पॉइंट में आपने जाना कि भगवान की मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मूर्ति हमेशा नम भी रहती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शांत और ठंडा रहे, लेकिन मूर्ति में से निकलने वाला पसीना और मूर्ति की नमी एक बहुत बड़ा रहस्य है। समुद्र की लहरों की आवाज से इसका क्या संबंध है, यह एक रहस्य है। अद्भुत छड़ी। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के बगल में एक छड़ी मौजूद है। यह छड़ी मंदिर के रहस्यों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर छोटे थे, तब उनकी बाल्यावस्था में उन्हें उसी छड़ी से मारा गया था। पिटाई के दौरान उन्हें उस छड़ी से ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसके बाद से ही लगातार उनकी उस चोट पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। माता लक्ष्मी की छवि। हर रविवार को जब मंदिर में भगवान को उनका श्रृंगार उतार कर उन्हें नहलाकर जब उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है, तब एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है। चंदन का लेप जब उतारा जाता है, तब उसमें माता लक्ष्मी की छवि होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है, जिस कारण उनकी छवि चंदन के लेप पर उतर जाती है। कुछ ऐसा ही रहस्य भगवान के कपड़ों से भी जुड़ा हुआ है। पचाई कपूर। भगवान बालाजी की मंदिर में जो मूर्ति है, उस पर एक खास तरह का कपूर लगाया जाता है। इस कपूर को पचाई कपूर कहते हैं। यह खास इसलिए होता है क्योंकि यह पत्थर को चटका देता है, यानी कि अगर आपने इसे किसी भी पत्थर पर रखा तो वह अपने आप चटक जाएगा।
लेकिन भगवान की मूर्ति के साथ ऐसा नहीं होता। मूर्ति पर यह रोज रोज लगाने के बावजूद ना तो चटकती है और ना ही कोई इस पर प्रभाव पड़ता है। अब है तो ये एक रहस्य, लेकिन मैं इसे एक ईश्वर की महिमा ही कहूंगा। दीपक का रहस्य। मंदिर के प्रांगण में एक दीपक मौजूद है जो काफी ज्यादा रहस्यमय है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा दिया है जो मंदिर में हमेशा जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? और आश्चर्य की हद तो तब हो जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि उसमें आज तक कोई भी किसी प्रकार का ईंधन नहीं डाला गया है। कोई आज तक ये समझ नहीं पाया कि दिए का रहस्य क्या है, ना ही किसी को ये पता है कि ये किसने जलाया था। तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य। इन तथ्यों की सत्यता का दावा भले ही ना किया जा सकता हो, लेकिन इन्हें झूठलाया भी नहीं जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।